हेलो नमस्कार, सत श्रीकाल आदाब, कम्मा खनी दोस्तों। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम था पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसका यूनिट वन हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। नाउ वी आर डूइंग ए यूनिट टू, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं TDS एंड TCS की, आपका पुराना अपना प्यारा TDS और TCS की। अच्छा, अब ये ना समझ लेना कि मैं इनकम टैक्स वाले TDS और TCS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है जो GST में दिए गए हैं। जो इनकम टैक्स में TDS TCS है वो तो एज इट इज़ है ही है, ये नए प्रोविजन हैं। नो डाउट उनका मतलब वही है जो भी आज पहले भी था। TDS का मतलब क्या होता था, जो भी सोर्स है वहीं पे हम TDS काट के, कुछ अमाउंट काट के डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करते थे और नेट बैलेंस पेमेंट भी करते थे। और TCS का मतलब भी क्या हुआ करता था, हम लोग जब पेमेंट लेते थे तो कुछ पैसा साथ में लेते थे, यानी कि इसको बोलते थे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और वो कलेक्ट करने के बाद में अगेन सरकार को उस बंदे के नाम पे जमा कर दिया करते थे, ठीक है। तो बेसिक मतलब तो वही था, जो अगर आप CA कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, CS कर रहे हैं तो ये बात तो जानते ही हैं। अब हम चलते हैं GST के स्पेसिफिक प्रोविजन को के अंदर। अब आ जाते हैं सीधा रिकैप्चुलेट मॉडल पे। ओके, सबसे पहले यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स दिए हैं, सॉरी। ये हम ऑलरेडी काफी बार समझ चुके हैं, अब आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, आपको अच्छे से पता है ECO क्या होता है, तो ये अब हम बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे चीज़ों का, ये हम समझ चुके हैं। ओके, चलते हैं सीधा TDS के ऊपर, मतलब हम जानते हैं, हल्का फुल्का हमने ऊपर रिवाइज भी कर लिया। रेट ऑफ TDS, अब यहाँ पे दो रेट्स हैं TDS की, सिंपल फंडा है 1% है। अगर C और S का TDS है तो 1-1% होगा, और अगर I का है तो 2% होगा। नाउ देखने की बात ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है किसी के माइंड में कि किसकी लाइबिलिटी है, कौन टैक्स डिडक्ट करेगा सोर्स पे। तो यहाँ पे लॉ मेकर्स ने आप लोगों को कुछ नाम दे दिए हैं। एक बोला है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट TDS काटेगी, लोकल अथॉरिटी TDS काटेगी, गवर्नमेंट एजेंसीज TDS काटेगी, और जिसको भी हम आगे, यानी कि लॉ मेकर्स बोलते हैं, हम जिस जिसको भी जब जब नोटिफाई करेंगे तब तब वो भी TDS काटने के लिए लाइबल हो जाएगा। अच्छा, अब ये TDS काटने की, क्या हर बिल पे, हर अमाउंट पे TDS काटना है? दी आंसर इज नो। थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है लॉ मेकर्स की तरफ से, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन, देखो 2.5 लाख या उससे ज़्यादा नहीं बोला, मोर देन 2.5 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ GST, और ये मैं पर इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। पब्लिक घाई घाई में 2.5 लाख तो याद कर लेती है, लेकिन उसके आगे पीछे का ये नहीं याद कर पाती कि बिना GST के 2.5 लाख की बात कर रहे हैं, और ये पर इनवॉइस बात कर रहे हैं, ना कि क्यूमुलेटिव ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर ये लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग अगर सप्लाई कर रहे हैं और वो जो सप्लाई है उसका वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के अंदर बिना GST के, तो ये लोग क्या करेंगे ये लोग TDS काट के पैसा देंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रेट, यहाँ पे 1% दिया, कंफ्यूज ना होना, बिकॉज ये सिर्फ C की बात कर रहा है। अगर यहाँ S भी लोगे तो वो भी 1% आ जाएगा, और I हुआ तो अपन ने ऊपर सीखा है 2% पूरा आ जाएगा। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, इस पार्ट को आप ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिए क्या लिखा है। देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लेट मी राइट हियर, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, When location of supplier and place of supply, देखो यानी दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की, and place of supply
इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ रिसिपिएंट या स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसिपिएंट, स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो यहाँ पे बोल दिया कि ऐसे केस में टीडीएस नहीं चार्ज होगा। सर एग्जांपल बताना, एग्जांपल देखो यहाँ पे, सपोज करो कि लोकेशन ऑफ सप्लायर है गुजरात, सप्लाई का प्लेस भी क्या है सपोज करो गुजरात, लेकिन रेसिपिएंट का जो स्टेट है ना वो क्या है सपोज करो वो है महाराष्ट्र, क्या टीडीएस आएगा इस पे? क्या इस पे टीडीएस आएगा? आंसर इज नो, टीडीएस नहीं आएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर कोई ए प्लेस है, प्लेस ऑफ सप्लाई कोई ए प्लेस है और स्टेट ऑफ रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन भी ए है, तो आएगा टीडीएस? टीडीएस आएगा। प्रोविजन ने साफ साफ कहा है एंड करके कि ये जो दोनों प्लेस है ये से डिफरेंट होना चाहिए। दोनों का मतलब अब मोटा मोटी क्या मतलब समझ में आता है, जहाँ तक सपोज करो ये है महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात और ये जो है स्टेट ऑफ रेसिपिएंट सपोज करो ये भी है महाराष्ट्र, क्या अब टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से होगा। क्यों होगा? क्या ये दोनों प्लेस, क्या ये दोनों प्लेस इस स्टेट से अलग है? आंसर इज नो, कोई एक प्लेस तो है ना जो स्टेट इसी रिसिपिएंट के स्टेट के अंदर आती है, तो टीडीएस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कहीं और तो नहीं आ सकता है, एमसीक्यू में खींच सकते हैं उठा के, क्योंकि ये वाले पॉइंट को कोई अच्छे से नहीं पढ़ता है। मैं जितने लोगों के मैं यहाँ वहाँ टेलीग्राम वगैरह पे लोगों को देखता रहता हूँ, लोग किस तरह के क्वेरीज पूछते हैं, क्योंकि मेरे तो इतने स्टूडेंट्स नहीं हैं अभी तक, बट दूसरों के स्टूडेंट्स को देखता हूँ किस तरह के क्वेरीज पूछते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, जिससे मुझे समझ में आता है कि इस पार्ट पे कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, गलती टीचर्स की नहीं है, बच्चे लोग पूछते नहीं है तो टीचर्स की बताएंगे, सिंपल सी कहानी है। ओके, आगे चलते हैं। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट, तो जो टीडीएस काटा का जाएगा वो विद इन 10 डेज किसको दे दिया जाएगा? गवर्नमेंट को भर दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। कब से? फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ। देखो अगर आपको आपका इनकम टैक्स याद है तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे 10 दिन का टाइम दे दिया। ठीक है, ऐसे याद रखने में आसान। अच्छा, मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस बाय टीडीएस डिडक्टर, ये क्या है? देखो ये डिडक्टर को मैंडेटरी रजिस्टर होना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट, रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। टीडीएस कैसे काटेगा उसको? ये जो टीडीएस काटा है 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन जैसे अपने ऊपर पड़ा कि अगले महीने की 10 तारीख के पहले पहले पेमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। The amount deposited as TDS will be reflected in the electronic cash ledger of the supplier. अरे सिंपल सी कहानी ना, देखो एग्जाम्पल गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट था 3 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने कोई सर्विस लिया है, कोई गुड्स लिया है किसी सप्लायर से, वो सप्लायर ने अब इसको गुड्स तो दे दिया, सरकार 3 लाख का पेमेंट कर रही है। अब 3 लाख का पेमेंट करते वक्त गवर्नमेंट ने TDS तो काट लिया, अब क्या ये काटा हुआ TDS इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जमा करेगी वहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर? जब इनकम टैक्स में काटते हैं तो वो कहाँ दिखता है सामने वाले का? 26AS में दिखता है, यहाँ GST की बात कर रहे हैं, तो जो GST में काटते हैं वो कहाँ दिखता है? सामने वाले सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मर्ज का है, हमने एक चैप्टर सीखा है इसी के पहले, जहाँ पे हमने कवर कर लिया है कि क्या होता है कैश लेजर, क्या होता है क्रेडिट लेजर। ठीक है, नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को जाके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे इनकम टैक्स में होता है हम TDS काट के TDS जमा कर देते हैं, वहाँ तक की कहानी सॉल्व नहीं होती, उसके बाद का हमें फ़र्ज होता है कि हमें TDS सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। सेम वैसे GST लॉ के अंदर भी क्या बोला है, जिसने TDS काटा है दे नीड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ सच TDS टू द डिडक्टी विद इन 5 डेज ऑफ
डिडक्टिंग टीडीएस फेलिंग विच फीस ऑफ 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 विल बी पेएबल बाय सच डिडक्टर। अरे भाई तुमने टीडीएस काट लिया, सर्टिफिकेट इशू करो कितने दिन के अंदर अंदर? 5 दिन के अंदर, वरना क्या होगा, 100 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग जाएगी 5,000 तक की। मैनेज ऑफ अकाउंट ऑफ टी डी एस बाई सप्लायर, अब सप्लायर कैसे इसको अकाउंट करेगा? एनी अमाउंट शोन एज टी डी एस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेशन है। ही कैन यूटिलाइज दिस अमाउंट टूवर्ड्स डिस्चार्जिंग इज लाइबिलिटी टूवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट फीस एंड एनी अदर अमाउंट। जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ आ जाता है तो उसकी यूजेज अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो हम सीख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, बस वैसे ही उसको यूज़ करेंगे। यहाँ सीखने वाला पार्ट सिर्फ इतना ही था कि वो कहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस के बारे में, ध्यान से देखो, कुछ सिचुएशन बता रहा है और क्लैरिटी देने के लिए। सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट तीनों सेम स्टेट में, तो क्या है, तो श्योर श्योर है इंट्रा स्टेट ही है, या तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो टीडीएस क्या आएगा, सी और एस 11% आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। आई रिपीट, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट की बात यहाँ पे की क्या मैंने, नहीं की, बिकॉज एनीवे जब हम लोग सी और एस लगाते हैं तो हम सीधा देखते हैं कि सप्लायर कौन है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। तो इन दैट केस क्या आएगा, इंटर स्टेट सप्लाई आ गया, तो IGST। लेकिन सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये तो सेम स्टेट में है, लेकिन रिसिपिएंट कहाँ पे लोकेटेड है, दूसरे स्टेट में लोकेटेड है, तो ये एक्सेप्शन में कवर हो जा रहा है और ये इंट्रा स्टेट मान रहे हैं और यहाँ पे टीडीएस है नहीं। ऊपर जो सीखा वही सिचुएशन दोबारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने कंप्लाई नहीं किया टीडीएस के प्रोविजंस को? सबसे पहला क्या गलती हो सकती है कि हम टीडीएस काटे ही नहीं। टीडीएस अगर नहीं काटा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द टीडीएस अमाउंट, एल्स द अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड एंड रिकवर्ड एज पर द लॉ। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट मांग ही लेंगे। टीडीएस सर्टिफिकेट, अच्छा टीडीएस काट लिया, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया या डिले किया, 5 दिन से ज़्यादा का डिले कर दिया, तो 100 पर डे मैक्सिमम 5,000, ऊपर सीखा वही रिपीटेशन यहाँ पे आ गया। टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट, ये तो सबसे बड़ा पाप है, टीडीएस काट लिया मगर जमा नहीं किया डिपार्टमेंट में, या फिर 10वीं तारीख से लेट कर दिया, तो क्या होगा, आगे इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टीडीएस के साथ साथ, एल्स द अमाउंट शैल बी डिटरमाइंड एंड रिकवर्ड एज पर द लॉ। अब सब कुछ कर लिया लेकिन टीडीएस के रिटर्न्स फाइल नहीं किए, भैया फिर गलती कर दिया तुमने, सर्टिफिकेट का और रिटर्न्स का सेम पेनल्टी है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत पक्का, किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम, चल सकते हैं आगे। अब जैसे टीडीएस था वैसे ही टीसीएस, टीडीएस हम काट के भरते हैं, टीसीएस हम एक्स्ट्रा लेके फिर गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं, तो यहाँ पे टीसीएस क्या है, अब यहाँ पे टीडीएस का आधा रेट्स हो जाते हैं, सी में 0.5 0.5, सी और एस पे, और आई में 1%। किसको एप्लीकेबल है टीसीएस? जीएसटी में सिर्फ एक ही इंसान को एप्लीकेबल है, हु इज पर्सनल लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और किसी पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं किया आज की डेट में। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? नील, मतलब 1 रुपये का भी सप्लाई हो रहा है तो ईसीओ क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। रेट हम ऊपर सीख चुके हैं, वैल्यू फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेड सोर्स, भाई किस वैल्यू पे टीसीएस लेंगे, तो क्या बोला, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, नेट वैल्यू मन जाए क्या है, हो सकता है आपने किसी को 10 रुपये का माल बेचा और वापस रिटर्न या 2 का माल रिटर्न आ गया, तो 8 का नेट सेल है तो वो नेट सेल पे ही अप्लाई होगा। अगेन इसका भी ड्यू डेट क्या है, विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, सेम जो वहाँ था वही 10 दिन यहाँ पे है, मंथ के एंड से। नेट वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे मैंने बताया, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन नोटिफाइड सर्विस अंडर सेक्शन 9(5) बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये हम सीख चुके हैं पहले, जो 9(5) में नोटिफाइड है उनकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, उसके अलावा बाकी चीज़ें। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा
रिटर्न हटाने के बाद। सो दिस वॉज अ सिंपल टीपी काइंड ऑफ यूनिट, पब्लिक कॉल इट एज अ चैप्टर, आई कॉल इट एज अ मैगजीन ऑफ 2 to 3 पेज। सो वी आर डन विद इट। वॉट यू हैव टू डू इज, कुछ जगह पे कभी कभी सिंपल चीज़ें होती है बट कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, तो एक बार ठंडे दिमाग से शांति से रीड करना है, ये 2.5 लाख के साथ पर इनवॉइस को याद रखना है, और एक बार इसके सम्स एक बार देख लेना, एग्जाम टाइम दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लेना एग्जाम टाइम पे, 2 पेज का ये पढ़ लिया ये बहुत है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब अगली क्लास के लिए हम अगला ही वीडियो बनाएंगे, इसको यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं टू अवॉइड कॉन्फ्यूजन।